3 दिन माघ मास के दो तीन दिन हैं, आज द्वादशी है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आने वाली है, इतनी 22 तारीख। ये तीनों दिन भी नर्मदा नदी के किनारे जो अपना जीवन निकालता है, वो 7 कल्पों तक मानव ही बना रहता है, दुष्कता नहीं आती। जो 2 संध्याओं में नर्मदा नदी में स्नान करता है, उसको 7 कल्पों तक मानव जन्म और उच्च जन्म प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया पहली बार। हमें जब तक यहाँ तक ज्ञान है, नर्मदा नदी का नाम नर्मदा क्यों कहा गया? यहाँ गुजरात के सभी पंडित लोग बैठे हुए हैं, एक बार नर्मदा का अर्थ बताइए। क्या नर्मदा का नर्मदा यह है, शिवजी विष्णु के पादों से गंगा उत्पन्न हुई और शिवजी के सर पर अधिष्ठा हुई, ब्रह्मा के हृदय से सरस्वती ऊपर हुई, और नर्मदा अपने नरों में जो रक्त बहता है वैसा शिवजी के नरों में से उत्पन्न होने के से नर्मदा, मद का मतलब होता है उसमें अपने में शक्ति प्रदान करने वाली, अपने नरों में शक्ति प्रदान करने वाली को नर्मदा कहा गया। तो यह तीनों भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तत्वों को लिए, गंगा विष्णु से उत्पन्न हुई, गंगा शिव से उत्पन्न हुई और सरस्वती ब्रह्मा से उत्पन्न हुई। ये तीनों नदियों का जो अपने जीवन में कभी भी एक साधक अपने गुरु के साथ ये तीनों नदियों को नहाता है, उसके शरीर में सारी पवित्रता आ जाती है, ऐसा कहा गया। नर्मदा को बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर रूप धारण करते हुए दर्शन देने में नर्मदा श्रेष्ठ कहलाई है। गंगा जी का किसी ने दर्शन लिया है नहीं लिया, लेकिन हर साधु संत सतपुरुष जो भी ऋषि मुनि हुए नर्मदा में स्नान करने के बाद अगर उन्हें स्मरण करते हैं कि हमने हमारे जन्मों में सारे पाप किए हैं, उस पाप को धोने वाली आप हैं, आपने शिवजी को, शिवजी ने हमारे लिए आपको यहाँ भेजा है, ऐसा कहने पर ऐसा कहा गया है कि हमने देखा है गंगा जी महाभारत में पहले पहले जो सत्यव्रत थे जिनके पास से विष्णु उत्पन्न हुए, गंगा को विष्णु पुत्र कहा गया, तो वो राजा गंगा के पति कह रहा, तो नर्मदा के पति कौन कह रहे? गुरुपुच्छ नाम के एक राजा थे जो समुद्र के अवतार में थे, जो ब्रह्मा, उन्होंने नर्मदा को कहा था कि नर्मदा तुम इतने वेगवान बनकर बहते हो कि तुम्हें रोकने का ये नहीं होता, हर बार शिव जी को तो बुलाया नहीं जा सकता, तुम्हारे में स्नान करने की शक्ति तुम्हें कौन रोके। तब गुरुपुच्छ नाम का एक राजा था, उन्होंने नर्मदा का स्नान किया। नर्मदा का स्नान करते समय इस राजा का अगर हम स्मरण करते हैं तो नर्मदा की स्नान का हमें पुण्य फल मिलता है। वैसे ही आपको जहाँ तक देखा है नर्मदा को नर्मदा बाण कहा गया, शिवलिंग नर्मदा में, नर्मदा की शिवलिंग मिलने का कारण है कि नर्मदा में साक्षात शिव विराजमान है, और एक कल्प में रेवा नदी के रूप में धारण की है, तो इसमें लाल पत्थर को गणेश जी कहा गया है। कुंडली जागरण में नर्मदा में कभी हमें लाल पत्थर मिल जाए और उसको घर में रखा जाए, आप सभी लोग अगर शेगांव के गजान महाराज की पोथी अगर पढ़े हुए हैं तो उसमें निमोनकर नाम की एक साधु को सिर्फ इससे एक लाल पत्थर निकाल दिया जाता और बोला इसके इसको तुम किसी भी अपने पाठ पर रख दो या रखकर केवल इसके ऊपर दृष्टिपात करते हुए तुम कुंडली जागरण की क्रिया करो। तो कहते हैं कि उन्होंने 21 दिन में अपनी कुंडली जागरण की, गजान महाराज शेगांव के ही इस नर्मदा नदी के भक्त थे, और नर्मदा नदी में जब नाव डूब रही थी ओंकारेश्वर के पास, उनके साक्षात नर्मदा ने उनके नाव को हाथ देकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया था, ऐसा कहा जाता है। इस तरह नर्मदा संकट में रहने वालों को पूर्ण रूप से दर्शन देने वाली कहलाई गई। अब आपको बताया आने वाली माघ चतुर्दशी को, यानी कृष्ण अमावस्या चतुर्दशी महाशिवरात्रि है, और इस महा ये जो चतुर्दशी कल की है, कल विष्णु की विष्णु संबंधी चतुर्दशी है, और माघ पूर्णिमा में सारे तीर्थ जितनी पृथ्वी पर नदियाँ हैं वो सारी नर्मदा में आकर विलीन होती है माघ पूर्णिमा के दिन। तो हम 21 तारीख के रात को भी यानी शाम को 7 बजे तक नर्मदा में सारे तीर्थ रहने के कारण अगर हम स्नान कर सके तो हमारा पुण्य उस दिन पूर्णिमा और चतुर्दशी दोनों मिलकर आएंगे। नर्मदा में स्नान करते समय हम किस किस देवताओं को ध्यान करना चाहिए? पहले शिवजी को, बाद में ब्रह्मा को, बाद में गुरु कुछ नाम भी हो सकती है, ऋषि को गिरने उनको, और इस इन पर्वतों की श्रेणी को जब नर्मदा बहुत जोरों से बह रही थी तो उस नर्मदा को कौन धारण करे, कौन इसकी वेग को रोके, तो तब पर्यंक नामक पर्वत ने उन्हें धारण किया था। इसलिए
नर्मदा की ओर नर्मदा प्रेम स्रोतों नर्मदा का पिता कहलाएगा। तो इन पांचों नामों को लेकर जो स्नान करते हैं उनको नर्मदा की नदी का पुण्य पूर्व पुण्य मिलता है। हम आगे पापी थे या पुण्यवान थे ये बात थी, पर पहले स्नान कर महाशांति मंत्र की तरह आज जो सुपर्णेश्वर की साधना जिस महादेव की साधना करने जा रहे हैं जो पहले नदी में स्नान करते हुए कि आज तक तुमने बहुत बड़ी बड़ी साधना की हुई, लेकिन इस सुपर्णेश्वर साधना में माँ शक्ति शाकंभरी के रूप में शिव जी की आराधना करते हुए यहाँ सुपर्णेश्वर की साधना करते हुए सारे ऋषियों ने साधना करते हुए जो भी हरे पत्ते मिले उसको महादेव पर एक विशेष मंत्र से डालकर अभिषेक करने के बाद उन पत्तों के एक पत्तों को नहीं 108 वीरभद्र चढ़ाकर उसके 5 वीरभद्र अपने पास रख लेकर उसका एक एक मारा मंत्र नित्य करते हैं तो हमने आज तक किए हुए पापों को तो जाते ही जाते लेकिन उसकी कुंडली जागरण और उसको 7 जन्मों तक गुरुकृपा प्राप्त होती है, गुरुकृपा से वंचित नहीं होता ऐसा कहा गया। तो उसका मंत्र मैंने दिया है वो शिव जी के पास उस मंत्र को बोलते हुए 5 वीरभद्र 108 या 5 वीरभद्र जो भी पत्ते हैं आप चढ़ाकर उन उसमें से 5 वीरभद्र अपने पास रख लेकर इन 3-4 दिनों में रोज एक पत्ता उस मंत्र को एक माला करके खाना चाहिए। अपने शरीर में जितने भी अपने अभक्ष भक्षण किया है चोरी का खाया हुआ खाना है या तो अच्छे गुरुओं का खाना खाया हुआ है इधर का उधर का खाना खाया हुआ है ऐसे जो खाना जो ऐसे खाना खाकर अपने शरीर में जो रक्त बना है जिसके कारण हमारा मन चंचल हो जाता है अपनी शक्ति चंचल हो जाती है उसको रोकने के लिए इन को खाने पर ब्रह्मा जी ने स्वयं विष्णु ने कहा है कि मैं भी अगर इस सुपर्णेश्वर में माघ मास में पूर्णिमा के दिन मैं भी आकर यहाँ नदी में स्नान करते हुए पत्ता खाकर पत्ता खाता ऐसा ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तीनों शक्तियाँ किस प्रकार है इस प्रकार है गंगा जल के रूप में नर्मदा रक्त के रूप में सरस्वती अपने में जो रस आता है अपनी बात करते हैं हम बात करते हैं उसे सरस्वती का ये तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा की पत्नियाँ कहलाई गई है। ये तीनों नदियाँ इस प्रकार अपने शरीर में बहती है रक्त भी बहता है जल भी बहता है और सरस्वती का अभी जो रस बहते हैं हमारा आवाज़ हमारे कंठ हमारे अक्षर आदि ये तीनों रूपों में हमारे शरीर में ब्रह्मा विष्णु सरस्वती के तीनों शक्तियाँ महाशक्ति महाकाली महाकाली हमारे बनते हैं। तो नर्मदा इन सारी नदियों की इस माघ मास में सारी नदियाँ आकर माघ मास में इनके पास रहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयाग में जो जैसा कहा गया गंगा यमुना सरस्वती वो तीनों भी पहले यहाँ आकर स्नान करके फिर वहाँ प्रयाग में उनका उनकी महत्ता बढ़ जाती है। तब हम आज माघ मास में यहाँ आए हुए हैं स्नान करना स्नान करने के बाद सुपर्णेश्वर महादेव का दर्शन करना उसमें मंत्र मैं दिया हुआ हूँ आप प्रभु के पास ले सकते हैं। आपको कुछ भी पत्ते बिलो पत्ते मिलते हैं बहुत भाग्यवान हैं आप नहीं मिलते तो कोई भी हरे पत्ते उस शिव जी के ऊपर चढ़ाकर उस मंत्र को बोलते हुए फिर यहाँ आने के बाद मैं साधना का तत्व समझाऊँगा। एक बात दूसरे सारे नदियों में स्नान करने से हम शुद्ध होते हैं, गंगा को दर्शन मात्र से शुद्ध होते हैं लेकिन नर्मदा को स्मरण मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। नर्मदा पर स्मरण करते हैं तो मात्र में स्मरण कर रहा हूँ तो भी हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी नर्मदा में अगर हम आज आकर स्नान करके हम इस साधना को संपन्न करें तो हमारे में एक बार जिस नदी को स्मरण मात्र से हमारे में शुद्धि प्रदान शुद्धि आती है उस नदी में स्नान करते समय हम डूबते हुए या डूबने के बाद दूसरे लोगों का स्पर्श ना कर हम उनके पापों के प्रेम हो जाते हैं। स्नान करने के बाद हम अपना शरीर अपने शरीर को पहुँच कर नदी को एक बार नमस्कार करते हुए तीन बार आचमन करें फिर अपने शरीर अपने सर पर पानी डाल लें सब भगवान की साधना के लिए। अगर हम स्नान करके फिर किसी को छू लेते हैं तो उनके पापों के कभी भी बन जाते क्योंकि नर्मदा ने कहा कि मेरे पास तुम ये 5 नामों को लेकर स्नान करते हो तो मैं तुम्हारे पाप धो देती हूँ। तो उनके जल को उनके शरीर पर हुआ जल अगर तुम्हें स्पर्श करता है और तुम उनको स्पर्श करते हो तो इसका फिर तुम उसके पाप का अगाकाल बनते हो। इसलिए स्नान करते समय स्मरण करने के बाद जो बाहर आके शरीर को पोछ लेते हो तब नर्मदा को नमस्कार आचमन स्वीकार करो आचमन करो और नदी को नदी के जल को अपने स्वीकार करते हुए अपने शुद्ध कपड़े पहनकर हम सुपर्णेश्वर महादेव आएंगे वहाँ आराधना करेंगे। हो सके अगर वहाँ पूजा करने हमें प्रश्न आया ये परमिशन देते हैं तो उदय माना है शिष्य महाराजे अभिषेक करेंगे तो बिलोपत वगैरह चढ़ाएंगे उस मंत्र को बोलते हैं। एक बात सभी लोग आपको मैं नर्मदा नदी में स्नान करते समय जो मंत्र बोला जाता है और बोलता हूँ अपनी रेवे अशुभ नाशिनी Thank you.
दयालु होकर मनी, दयालु होकर मनी। पूर्ण स्नान के बाद इस मंत्र को बोलकर उस जल को अपने सर पर छिड़क लेना चाहिए। और जो पांच नाम नर्मदा को बताया वो नर्मदा, देवा, गुरुकुत्सपत्नी पर्यंक दामिनी रुद्रदेहोद्भव। इन पांच नामों को बोल के डुबकी लगाना चाहिए और बाहर आने के बाद इस श्लोक को बोलते मनीश्वर लेना चाहिए। स्नान करके एक बात और एक बात भी बता, हमारे शरीर पर हम इधर उधर घूम के आए हुए मैले कपड़े हैं, स्नान कर रहे हैं। नर्मदा में पुण्य पर स्नान करते समय मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना, उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। और स्नान करते समय भी अपने, हम अगर टॉयलेट वगैरह जाके आए वाले कपड़े अपने शरीर पर हैं उसे छोड़कर अपने पहले से सफ़ेद साड़ी पहनी हुई स्त्री और पुरुष सफ़ेद कपड़ा अपने शरीर पर धारण किया हो, इस पवित्रता के साथ स्नान में करते हैं। पहने हुए कपड़ों से हम स्नान करते हैं। जहाँ टॉयलेट पर जाके आए हैं तो कहते हैं कि अब हमने नर्मदा का अपमान किया। जैसे भगवान के पास जाते समय हम पूर्ण शुद्ध होकर जाते हैं, गंगा स्नान में करते हैं। पहला स्नान तो ऐसा किस तरह करो कि उसका पूरा ये बात कहते हो, आप कपड़े वगैरह लेकर शुद्ध कपड़े भी लो और अपने आप भी पहने हुए, अगर टॉयलेट जाके आए हुए कपड़े हैं तो उसे बदल लेकर स्नान करना। ओम नर्मदे देवी रेवे अशुभ नाशिनी, मंत्र हमारा क्षमा करो दयालु होकर मनी। ओम नर्मदाय नमः, ओम रेवाय नमः, ओम गुरुकुच्छ पत्नी नमः, ओम पर्यंक गामिनी नमः, ओम रुद्रदेहात भूताय नमः।